दक्षिण गुजरात ना एकमात्र गिरिमथक एवा सापुतारा खाते गुजरात प्रवासन विभाग द्वारा आगामी 6 ऑगस्ट थी 30 ऑगस्ट सुधीनी मॉनसून फेस्टिवल नु आयोजन करवामां आव्युं छे। कुदरती प्रकृति भरपूर एवा डांग जिल्लामां हालमां चोमासाना दिवसोमां पड़ेले वरसादने कारणे कुदरती सौंदर्य सोळे कड़ाए खीली उठ्युं छे। गत वर्षे कोरोनाना कारणे मॉनसून फेस्टिवल योजवामां आव्यो न हतो, जो कि आ वखते कोरोना संक्रमणमां घटाडो थता प्रवासन विभाग द्वारा आगामी 6 ऑगस्ट थी 30 ऑगस्ट सुधी मॉनसून फेस्टिवल नु आयोजन करवामां आव्युं छे। आ दिवसोमां सरकारी गाइडलाइननी साथे सांस्कृतिक कार्यक्रमनु आयोजन करायुं छे। नमस्कार, मैं विराज गोवाकरकर मुंबई से आया हूँ। सापुतारा एक्चुअली एक परफेक्ट गेटवे आप बोल सकते हो, आफ्टर कोविड जो एक सब लोगों को ब्रेक चाहिए रहता है। 1.5 से 2 साल से घर पे बैठे हैं सब लोग और कहीं पे बाहर जाना है, तो मोस्टली हम जो मुंबई में रहते हैं हम लोग को लगता है कि लोनावाला महाबलेश्वर जाते हैं, बट उसके अल्टरनेट या उससे भी अच्छा और साइलेंट जगह सापुतारा है। टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो बोटिंग लेक है यहाँ का बहुत क्लीन है, बोटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। होटल्स गुजरात टूरिज्म बोर्ड का ये जो होटल है, होटल तोरण, बहुत ही अच्छा रिनोवेटेड होटल है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप्ड होटल है और परफेक्ट गेटवे। मतलब यहाँ पे कोविड नॉर्म्स वगैरह सारे फॉलो किए जा रहे हैं और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वगैरह फॉलो करते हुए सारा टूरिज्म यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। थैंक यू। गुजरात की आँखों का तारा सापुतारा हाल चोमासाना ऋतुमां सोळे कळाए खीली उठी छे, त्यारे सापुतारा खाते प्रवासन निगम द्वारा 6 ऑगस्ट थी 30 ऑगस्ट सुधी मॉनसून फेस्टिवलनું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને જેના કારણે પ્રવાસીઓમાં પણ સારો ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને મોન્સૂન ફેસ્ટિવલમાં કોરોના ગાઈડલાઈનને ધ્યાને રાખી ખુલ્લા આકાશમાં ડોમ બનાવી 50 થી 100 વ્યક્તિને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને સાથોસાથ રંગારંગ કાર્યક્રમોની પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેના ભાગરૂપે હવે સાપુતારામાં મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ માટે તડામાર તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે। આંડુ ચૌધરી, ડાંગ।